आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बुधवार 22 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर पॉडकास्ट में, और आज हम बात करने वाले हैं आरआर और आरसीबी के बीच होने वाले रोमांचक मैच की फैंटेसी टीम के बारे में। क्रिकेट एंड मोर ने आज अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को चुना है। बल्लेबाजी करेंगे विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार और यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर है रियान पराग और कैमरन ग्रीन। वहीं गेंदबाजी करेंगे युजवेंद्र चहल, आवेश खान, लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल। इस मुकाबले में आप विराट कोहली को कप्तान बना सकते हैं। विराट सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 14 मैचों में 708 रन ठोके हैं। इतना ही नहीं, सीजन में विराट के नाम 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी दर्ज हैं। ये भी जान लीजिए कि लीग स्टेज के दौरान जब आरसीबी और आरआर की भिड़ंत हुई थी, तब भी विराट ने 72 बॉल पर नबाद 113 रनों की शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में उन्हें कैप्टन के तौर पर चुनना एक अच्छा फैसला होगा। उप कप्तान के तौर पर आप संजू सैमसन को चुन सकते हो। सैमसन ने टूर्नामेंट में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। सैमसन विकेट के पीछे कैच पकड़कर भी आपको काफी सारे पॉइंट जिता सकते हैं। बात करें अगर आरआर और आरसीबी के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 13 मैच जीते हैं। इस दौरान 3 मुकाबले ऐसे भी रहे जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया। बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान की टीम में आपको यशस्वी जायसवाल, टॉम कोहलर कैडमोर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रॉबमैन पॉवेल, रवि चंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान और युजवेंद्र चहल नजर आ सकते हैं। बात करें अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित टीम की, तो टीम में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, यश दयाल, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन और स्वप्निल सिंह नजर आ सकते हैं। जुड़े रहे क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।